हेलो विश्व माय लवर्स, कैसे हो आप सब। मैं स्तबिंदास फर्स्ट क्लास चक्का। तो गाइज हमेशा ऐसे ही रहो और खुश रहो। तो गाइज पबजी मोबाइल के अंदर S1 रॉयल पास का वीक 5 ओपन हुआ है, तो उसके अंदर जितने भी मिशन है वन बाय वन मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगी। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखेगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और अगर गाइज आप लोग यहाँ पे BGMI खेल रहे हो तो भी आप लोग इस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि आगे जाके ये वाले सेम आप लोगों को मिशन यहाँ पे BGMI के अंदर भी देखने को मिलेंगे। और गाइज बहुत ही जल्दी मैं यहाँ पे फेस रिवील करने वाली हूँ। अगर आप लोगों ने मेरी मेन चैनल 1 मिनट मोनिका को चेकआउट नहीं किया है तो आप लोग उसको जाके चेकआउट करके सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे 150 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे तो हम लोग यहाँ पे फेस रिवील करेंगे। RP के अंदर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो मिशन के अंदर आप लोगों को यहाँ पे वीक 5 में फर्स्ट मिशन देखने को मिलेगा, एलाइट विन अ क्लासिक मैच 1 टाइम वाइल वेयरिंग अ स्पेसनाज हेलमेट Level 3। तो गाइज आप लोगों को Level 3 के हेलमेट को पहन के यहाँ पे एक मैच विन करनी है और इसके आपको 100 RP पॉइंट मिलेंगे। बट इसके आगे यहाँ पे एलाइट लिखा है, तो इसका मतलब यह है कि इस मिशन को आप लोग यहाँ पे करोगे तो आपका मिशन कंप्लीट हो जाएगा, पर इसको आप लोग कलेक्ट तभी कर पाओगे जब आप लोगों ने यहाँ पे रॉयल पास परचेज करी होगी। इसके लिए आप लोग यहाँ पे मैप में रैंक में बहुत सारे मैप है, आप लोग कोई सा भी लगा के खेल सकते हो। अनरैंक में भी आप लोग यहाँ पे कोई सा भी लगा के खेल सकते हो। नॉर्मली गाइज यहाँ पे 3rd लेवल का जो आप लोगों का यहाँ पे हेलमेट रहता है उसको ही गाइज आप लोगों को यहाँ पे लास्ट तक पहन के रखना है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखोगे तो ये वाला हेलमेट आप लोग नॉर्मली देख सकते हो। गाइज ये वाला 3rd लेवल का यहाँ पे हेलमेट रहता है, जिसको आप लोग यहाँ पे पहनोगे ना तो गाइज आप लोगों को यहाँ पे इसको पहन के लास्ट में यहाँ पे मैच को विन करना है। जैसे ही आप लोगों की मैच जीत जाते हो और ये वाला हेलमेट आप लोगों ने पहना हुआ होगा तो आपका मिशन यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट मिशन की, जिसके अंदर लिखा है एलाइट यूज़ एनर्जी ड्रिंक 10 टाइम्स इन क्लासिक मोड। तो गाइज क्लासिक मोड में आपको 10 बार यहाँ पे एनर्जी ड्रिंक का यूज़ करना है और इसकी 100 RP पॉइंट है। इसके अभी की भी यहाँ पे सेम एलाइट लिखा है, तो मैंने जो आपको इसके पहले समझाया वही इसका भी मतलब है। गाइज इसके लिए आप लोगों को यहाँ पे मैप में रैंक्स में ढेर सारे मैप है, आप लोग कोई सा भी लगा। ऑन रैंक में भी बहुत सारे मैप है, आप लोग कोई सा भी लगा के खेल सकते हो। ज़्यादातर आप लोग मिरामर लगाना। स्किन के ऊपर आप लोग एनर्जी ड्रिंक देख सकते हो, एनर्जी ड्रिंक आपको कहीं पे भी जल्दी से मिल जाती है, बट मिरामर के अंदर आपको पहले से ही शॉप देखने को मिलती है, तो उसके अंदर से भी आप लोग यहाँ पे एनर्जी ड्रिंक को परचेस करके उसको आप लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। उसके बाद चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट मिशन की, जिसके अंदर गाइज नॉर्मली यहाँ पे लिखा है एलाइट एलिमिनेट 3 प्लेयर्स वाइल प्रॉन इन क्लासिक मोड। तो गाइज क्लासिक मोड में आप लोगों को प्रॉन होके 3 एनिमी यहाँ पे मारने हैं और इसके आप लोगों को यहाँ पे एक मटेरियल मिलेगा। और इसके आगे भी एलाइट लिखा है, तो सेम ही मतलब होता है, मिशन करोगे तो हो तो जाएगा, बट कंप्लीट आप लोग यहाँ पे कलेक्ट तभी कर पाओगे जब आप लोगों ने रॉयल पास परचेस करी होगी। तो इसके लिए भी सेम आप लोग कोई सा भी मैप यहाँ पे लगा के खेल सकते हो रैंक अनरैंक में। इसके ऊपर डिटेल वीडियो मैंने 1 मिनट मोनिका चैनल पर डाल दिया, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। नॉर्मली आप लोगों को यहाँ पे जब भी कोई एनिमी दिखता है तो आप लोगों को लेट जाना है और लेट के आप लोगों को उस एनिमी को मारना है। लेटने का मतलब ही यहाँ पे प्रॉन होता है। उसके बाद गाइज हम लोग यहाँ पे बात करते हैं 4th मिशन की, जिसके अंदर लिखा है रिपीटेबल वीक 5 ओनली स्पेंड 100 मिनट इन मैचेस। तो गाइज आप लोगों को यहाँ पे 100 मिनट स्पेंड करने पे 60 RP पॉइंट मिलेंगे और इसके आगे रिपीटेबल लिखा है, तो टोटल 6 बार आप लोग इस मिशन को रिपीट कर सकते हो और हर बार 60-60 करके 350 RP पॉइंट तक आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। तो गाइज इस मिशन के लिए आप लोग यहाँ पे मैप में रैंक में कोई सा भी लगा, ऑन रैंक में भी आप लोग कोई सा भी लगा के खेल सकते हो। नॉर्मली यहाँ पे एरिना में कोई सा भी खेल सकते हो और अदर्स भी आप लोग यहाँ पे खेल सकते हो। सिर्फ वॉर मोड और जो यहाँ पे BSI है उसको छोड़ के किसी भी मोड में गाइज आप लोगों को इस मिशन को यहाँ पे करना है। जैसे जैसे आप लोग यहाँ पे खेलते जाओगे वैसे वैसे आप लोगों का टाइमिंग यहाँ पे काउंट होता जाएगा। उसके बाद चलिए हम लोग बात करते हैं 5th मिशन की, जिसके अंदर गाइज यहाँ पे लिखा है फ्रेंड बूस्ट एलिमिनेट 20 एनिमीज विथ SL राइफल इन इरेंगल इन क्लासिक मोड। तो गाइज क्लासिक मोड में आप लोगों को SL राइफल से 20 एनिमी मारने हैं और इसके 150 RP पॉइंट है, बट इसके आगे फ्रेंड बूस्ट लिखा है, तो इसका मतलब यह है कि इस मिशन को अगर आप लोग रॉयल पास वाले फ्रेंड के साथ करोगे ना तो गेम में अगर रॉयल पास वाला फ्रेंड भी इस मिशन को करता है तो उसका मिशन भी गाइज आपके अंदर काउंट हो जाएगा। इसके लिए नॉर्मली आप लोगों को यहाँ पे मैप में रैंक के अंदर आप लोगों को इरेंगल मैप देखने को मिलता है, तो उसको लगा के आप लोग खेलो या फिर अनरैंक वाला इरेंगल लगा के भी आप लोग खेल सकते हो। नॉर्मली मैं आपको SL राइफल यहाँ पे दिखा देती हूँ। तो गाइज यहाँ पे इन्वेंटरी में आप लोग देखोगे तो गन के ऑप्शन में आप लोगों को AR के अंदर फर्स्ट नंबर पर AKM है, सेकेंड पे M16A4 है, उसके बाद स्कारल है, M416 है, उसके बाद नेक्स्ट आपको ग्रोजा ऑग मिल जाती है जो कि ड्रॉप में मिलेगी, उसके बाद M762, MK47, G36C, हॉनीबेजूर, यहाँ पे फमास। जो यहाँ पे QBZ है उसको आप लोग मत ढूंढना, बाकी कोई से भी गन से आप लोग यहाँ पे एनिमी मार सकते हो। उसके बाद चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट मिशन की, जिसके अंदर गाइज यहाँ पे नॉर्मली लिखा है फ्रेंड बोनस कंप्लीट 5 मैचेस विथ फ्रेंड इन क्लासिक मोड। तो क्लासिक मोड में आप लोगों को फ्रेंड के साथ 5 मैच कंप्लीट करनी है और
इसके 60 आरपी पॉइंट है, लेकिन इसके आगे फ्रेंड बोनस लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि इस मिशन को अगर आप लोग रॉयल पास वाले फ्रेंड के साथ करते हो तो आपको 30 आरपी पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो इसके लिए नॉर्मली आप लोगों को सबसे पहले जो आप लोगों का फ्रेंड लिस्ट है उसमें से किसी भी बंदे को बुला लेना है और उसी के साथ आप लोगों को गेम खेलनी है। इस मिशन को आप लोग यहाँ पर किसी में भी कर सकते हो, रैंक ऑन रैंक में, और ज़्यादातर आपको यहाँ पे डुओ या स्क्वाड में ही करना पड़ेगा, क्योंकि डुओ स्क्वाड में करोगे तभी फ्रेंड के साथ खेल पाओगे। गाइज यहाँ पे आप लोग ज़्यादातर लिविक मैप लगाना, और लिविक मैप में पहले से जोन बना रहता है तो जोन के आप लोग बाहर जाके मर जाना ताकि जल्दी से आप लोगों की 5 मैच यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद चले हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट मिशन की, जिसके अंदर यहाँ पे लिखा है टीम बूस्ट पिकअप द फ्लेयर गन इन 3 मैचेस विद टीममेट इन क्लासिक मोड। तो गाइस क्लासिक मोड में आपको 3 फ्लेयर गन को पिकअप करना है और इसके आप लोगों को 60 आरपी पॉइंट मिलेंगे। लेकिन इसके आगे यहाँ पे टीम बूस्ट लिखा है, तो इसका मतलब ये होता है कि इस मिशन को आप लोग यहाँ पे सोलो में करोगे तो भी होगा, बट इस मिशन को अगर डुओ या स्क्वाड में करने जाओगे ना तो जो आप लोगों का यहाँ पे टीममेट रहेगा वो अगर यहाँ पे रॉयल पास परचेस कर रखी होगी तो वो फ्लेयर गन उठाएगा तो उसका मिशन भी आपके अंदर काउंट होगा, भले फिर वो आप लोगों का कोई फ्रेंड हो या फिर कोई ऑटो मैचिंग वाला बंदा। तो इसके लिए गाइज नॉर्मली आप लोगों को यहाँ पे मैप में रैंक अन रैंक में कोई सा भी लगा देना है। गाइज यहाँ पे मैं आप लोगों को नॉर्मली फ्लेयर गन बताऊँ तो फ्लेयर गन तो आप सब जानते ही होंगे, इन्वेंट्री के अंदर आप लोगों को यहाँ पे गन में नॉर्मली पिस्टल कर लेना है, जिसमें आप लोगों को यहाँ पे एकदम लास्ट में फ्लेयर गन देखने को मिलेगी। तो इसी फ्लेयर गन को गाइज आप लोगों को यहाँ पे पिकअप करना है। आप लोगों को डिटेल वीडियो 1 मिनट मोनिका चैनल पे मिल जाएगा, आप लोग जाके चेकआउट कर लेना। उसके बाद चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट मिशन की, जिसके अंदर गाइज यहाँ पे नॉर्मली लिखा है पिकअप एन AWM 1 टाइम इन क्लासिक मोड। तो गाइज क्लासिक मोड में आपको एक बार यहाँ पे AWM पिकअप करनी है और इसके आपको 60 आरपी पॉइंट मिलेंगे। तो इसके लिए आप लोग यहाँ पे मैप में रैंक करने में कोई सा भी लगा सकते हो। AWM गाइज आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ड्रॉप में ही मिलेगी, तो इसके लिए आप लोगों को ड्रॉप यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा। AWM गन में आपको नॉर्मली यहाँ पे बता देती हूँ, तो इन्वेंट्री गन के अंदर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो आपको नॉर्मली SR के अंदर ही यहाँ पे AWM देखने को मिल जाती है। तो ये वाली गन को आप लोग अच्छे से देखो, इसको सिर्फ एक ही मैच के अंदर आप लोग एक बार पिकअप कर लोगे तो आप लोगों का मिशन हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट मिशन की, जिसके अंदर गाइज यहाँ पे नॉर्मली लिखा है एलिमिनेट 10 एनिमीज विथ M416 इन क्लासिक मोड। तो गाइज क्लासिक मोड में आप लोगों को M416 से 10 एनिमी मारने हैं और इसके भी 60 आरपी पॉइंट है, तो इसके लिए भी सेम आप लोग यहाँ पे मैप में रैंक अर्निंग में कोई सा भी लगा के खेल सकते हो। नॉर्मली M416 गन तो गाइज आप सब जानते ही हो, फिर भी एक बार मैं दिखा देती हूँ। इन्वेंट्री के अंदर आप लोग यहाँ पे AR के अंदर देखोगे ना तो आप लोगों को यहाँ पे M416 देखने को मिल जाती है। तो गाइज यही गन से आप लोगों को यहाँ पे टोटल 10 एनिमी मारने हैं, आप लोग किसी भी मैप में यहाँ पे मार सकते हो। उसके बाद गाइज मैं आप लोगों को यहाँ पे नेक्स्ट मिशन बताना चाहूँगी, और गाइज M416 के लिए तो ज़्यादातर आप लोग क्या करना कि यहाँ पे आप लोग लिविक मैप ज़्यादातर लगा के खेलना, क्योंकि लिविक मैप में आप लोगों को जल्दी से यहाँ पे M416 भी मिल जाती है। उसके बाद नेक्स्ट मिशन आप लोग देख सकते हो, Week 5 ओनली लॉग इन द गेम टोटल ऑफ 3 डेज। तो गाइज यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही आप लोगों का Week 5 ऑफिशियली यहाँ पे ओपन हो जाएगा ना, तब आप लोगों को 7 दिन में सिर्फ 3 दिन यहाँ पे गेम को लॉग इन करना पड़ेगा, मतलब गेम को ओपन करना पड़ेगा। जैसे ही आप लोग यहाँ पे गेम को ओपन कर लोगे तो आप लोगों का यह मिशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट मिशन आप लोग देख सकते हो, एलिमिनेट 1 एनिमी विथ Car 98 इन क्लासिक मोड। तो क्लासिक मोड में आप लोगों को Car 98 से सिर्फ एक ही एनिमी मारना है जिसके 30 आरपी पॉइंट है। तो इसके लिए नॉर्मली मैं आपको पहले गन बता दूँ, तो इन्वेंट्री में गन में आप लोग यहाँ पे SR के अंदर देखोगे तो फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे Car 98 है। तो गाइस इसी गन से आप लोगों को यहाँ पे एक एनिमी मारना है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ तो मैप में आप लोग कोई सा भी लगा के खेल सकते हो, ज़्यादातर आप लोग यहाँ पे मीरामर लगाना, क्योंकि मीरामर में आपको Car 98 जल्दी से मिल जाएगी और एक बोट भी आपको मिलता है, तो उसको आराम से मार के आप लोग मिशन कर सकते हो। उसके बाद गाइस हम लोग बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट मिशन की, और Car 98 हमारी एक स्नाइपर राइफल है जो कि आप लोग सब जानते ही होंगे। नेक्स्ट मिशन में गाइस यहाँ पे लिखा है ट्रैवल मोर देन 2000 मीटर वाइल ऑपरेटिंग एनी व्हीकल इन क्लासिक मोड। तो गाइस क्लासिक मोड में आप लोगों को व्हीकल ऑपरेट करके 2000 मीटर ट्रैवल करना है और इसके 75 आरपी पॉइंट है। तो इसके लिए नॉर्मली आप लोग क्या कर सकते हो कि यहाँ पे मैं आपको पहले व्हीकल्स दिखा दूँ, तो व्हीकल तो आपको बहुत टाइप के मिल जाते हैं, जैसे कि USZ में बहुत है। उसके बाद पिकअप आपको मिल जाते हैं, आप लोगों को सेडान मिल जाती है, नेक्स्ट आप लोगों को मोटरसाइकिल है, तो यहाँ पे बगी वगी बाइक वाइक आप लोगों को किसी भी मैप में कोई सा भी व्हीकल मिलता है ना, तो उसके अंदर सिर्फ आपको यहाँ पे ड्राइव कर लेना है, और ड्राइव करने के बाद ही गाइस आप लोगों को यहाँ पे
मिशन इजीली कंप्लीट हो जाएगा जैसे ही 2000 मीटर आप लोग ट्रैवल कर लोगे। उसके बाद गाइस अब हम लोग बात करते हैं एकदम लास्ट वाला हम लोगों का मिशन, जिसके अंदर लिखा है विजिट द सोशल लॉबी ऑफ 3 डिफरेंट फ्रेंड। तो गाइस आपको 3 अलग अलग फ्रेंड की यहाँ पे लॉबी विजिट करनी है। इसके ऊपर डिटेल वीडियो मैंने 1 मिनट मॉर्निंग का चैनल पर डाला है, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। फिर भी मैं आपको नॉर्मली करके दिखा दूँ। तो गाइस आप लोगों को फ्रेंड लिस्ट के अंदर जितने भी आपके फ्रेंड रहते हैं ना, उसमें से किसी भी फ्रेंड के प्रोफाइल फोटो पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आप लोग देखोगे तो नीचे 3 ऑप्शन में से जो सेकंड वाला प्रोफाइल का ऑप्शन है उसके ऊपर आपको नॉर्मली क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक फ्रेंड का आप लोग यहाँ पे प्रोफाइल खोलोगे तो ऐसा यहाँ पे काउंट हो जाएगा कि आप लोगों ने यहाँ पे एक फ्रेंड का जो सोशल लॉबी है उसको विजिट कर ली है। ऐसे करके 3 फ्रेंडों के आप लोग प्रोफाइल फोटो खोल लेना, जिससे आप लोगों का मिशन यहाँ पे हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे जितने भी मिशन थे 1 बाय 1 मैंने आपको सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं। ये वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके बाय।